शहर में आए दिन चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसे पेश शहर की गुने शाखा ने कार चोरी करने वाले आरोपी को हिरासत में लेने में कामयाबी हासिल की है। इस संदर्भ में एपीआई मोरे ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी मोहम्मद नकीम अंसारी के घर के सामने रोड का काम शुरू होने से फिरियादी ने अपनी गाड़ी वासन वाइन शॉप मेयो हॉस्पिटल के सामने पार्क कर रखी थी, जिस दौरान अज्ञात आरोपी ने उनकी गाड़ी वहां से चुरा ली। इस संदर्भ में मिले शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी मंगेश डाकोरे को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उससे लगभग 1,25,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। इस बारे में सहायक पुलिस निरीक्षक मोरी ने अधिक जानकारी साझा की। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 अंतर्गत तहसील पुलिस स्टेशन पांच पौड़ी पुलिस स्टेशन फोर व्हीलर चोरी गाड़िया वर्धा येथे स्क्रॅप करण्यासाठी घेऊन गेले चोर अशी माहिती मिळाली होती। त्या माहितीच्या आधारे आम्ही वर्धा येथे जाऊन तो जो स्क्रॅप मालक आहे मंगेश मनोहर डाकोळे याच्याकडून तहसील पोलीस स्टेशनच्या अपक्रमांक 487/21 इंडिओ गाडी, पाचपावली पोलीस स्टेशन अपक्रमांक 617/21 तवेरा गाडी, तसेच तहसील पोलीस स्टेशन अंतर्गत अजून एक गुन्हा दाखल आहे 691/2021 यातील मारुती कार अशा 3-4 चाकी गाड्या स्क्रॅप मालक मंगेश डाकोळेच्याकडून आपण हस्तगत केलेल्या आहेत। सदर गाड्या आपण हस्तगत करून पोलीस स्टेशन ताब्यात दिल्या आहेत। यातील मंगेश मनोहर डाकोळे जो स्क्रॅप मालक आहे तो अटक करून संबंधित पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात दिला आहे। यातील जो गाड्या नागपूर येथून चोरून घेऊन गेलेला आहे अमन आरोपी यश अमन पुणेकर हा सध्या फरार आहे, त्याचा आपण शोध घेत आहोत। यातील पाहिजे आरोपी दुसरा जो आहे जो गाड्या चोरून घेऊन जात होता इथून तो यश अमन पुणेकर हा वर्धा येथे रिक्षा चोरीच्या गुन्ह्यामध्ये वर्धा येथे अटक आहे। त्याच्याबाबत योग्य ती पुढील प्रोडक्शन वॉरंट घेऊन त्याचा तपास करीत आहोत। इस मामले में आरोपी मंगेश डाकोरे को गिरफ्तार किया। वहीं मंगेश का साथीदार आरोपी यश उर्फ लड्डू अमन पुणेकर ये वर्धा में रिक्शा चोरी के मामले में गिरफ्तार होने की जानकारी सहायक पुलिस निरीक्षक मोरे ने दी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।